पंजाबी पंजाबी थैंक यू या शुभरात मैं पहुंच गया हूं ओजित से बेलग्रेड से फिलहाल मैं निकल रहा हूं ज्लातिबोर के लिए आई हैव टू गो टू ज्लातिबोर थैंक यू वेलकम टू ज्लातिबोर टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर में हूँ ज्लातिबोर के यहाँ मैप्स वगैरह मुझे मिल गए हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चल गई है देवियों और सज्जनों ये है मेरा नया पड़ाव ज्लातिबोर में ये बेसिकली टूरिज्म डिपार्टमेंट जो ज्लातिबोर का टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो इस प्रॉपर्टी को ऑपरेट करता है तो यहाँ पर भी स्टे किया जा सकता है आई एम जस्ट गोइंग टू से ये है हाउ डू से कुलचुरनी सेंटर थैंक यू कुलचुरनी सेंटर ज्लातिबोर ये बिल्डिंग है जिसमें एक गैलरी है रहने की जगह है कुछ कुछ ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया हैबिटेट सेंटर है ना दिल्ली में वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं और रहने की जगह भी होती है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में भी वैसा है तो ये कुछ वैसा लग रहा है और ये इसका पार्ट है ज्लातिबोर टूरिज्म का उनका ऑफिस उस तरफ है नया दिन शुरू हो गया है और सुबह के 8:20 हो रहे हैं मुझे अब तक ब्रेकफास्ट करने के लिए पहुंच जाना चाहिए था असल में आज का जो मेरा प्लान है वो है कि ये जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के लोग हैं तो बेसिकली ये आज मुझे वहाँ लेके जाने वाले हैं जो मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं वहाँ पर ये आज मुझे एक डे टूर कराने वाले हैं यहाँ से जब भी मैं बाहर निकलता हूँ मुझे हमेशा दिल्ली का इंडिया हैबिटेट सेंटर और इंटरनेशनल सेंटर याद आता है और मुझे आज बाहर निकलते हुए कुछ और भी याद आया जब मैं जर्नलिस्ट था मेरा करियर जर्नलिस्ट के तौर पर शुरू हुआ था तो मैंने एक इंटरव्यू किया था दीप्ति नवल जो एक्ट्रेस हैं दीप्ति नवल उनका और वो इंटरव्यू मैंने किया था उनके वो दिल्ली आई हुई थी उस वक्त शायद इंडिया हैबिटेट सेंटर में ही रुकी हुई थी तब मुझे पहली बार पता चला था अच्छा यहाँ पर रूम्स भी होते हैं और यहाँ पर स्टे भी कर सकते हैं ऐसे ही याद आया तो आपके साथ शेयर कर दिया अच्छी सुबह है सूरज काफ़ी चमक रहा है इलाका बढ़िया है सबसे अच्छी बात हवा बड़ी साफ़ है यहाँ उस रेस्टोरेंट में आ गया हूँ जहाँ मैंने रात को खाना खाया था यहाँ पीछे मेरे वहाँ पर दो छोटी छोटी बड़ी प्यारी प्यारी कन्याएं हैं मुझे देखकर बड़ी खुश होने लगी वो जब मैं इंग्लिश में उनसे बात करने लगा तो मेरी तरफ ध्यान से देख रही थी जैसे मैं मार्स से आया हूँ अभी उनसे कहा मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए आया हूँ तो वो मेरी तरफ ध्यान से देखे जा रही हैं कुछ जवाब भी नहीं दे रही हैं कि बोल भी नहीं रही हैं कि मैं तो ऑलराइट दिस इज कॉफ़ी व्हाट इज़ दिस योगर्ट ओके उनमें से एक ये हैं व्हाट इज़ योर नेम 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 युवाना ग्रेट ग्रेट उनमें से एक ये हैं बहुत बहुत ज़्यादा मुस्करा रही थी ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे रिएक्ट करूं मैं सामान इधर उधर एडजस्ट कर रहा था कहने लगे यूट्यूब मैंने कहा फिर से मुस्कराने लग गई इन्होंने दही कप में ला के दी है ये है जी दही ये तो लस्सी है बड़ी गाड़ी वाली पंजाबी पंजाबी व्हाट इज योर नेम माय नेम इज वरुण फिलहाल तो मैं भाषा सीख रहा था लेकिन यहाँ पर ये दो जनाब आए वो वहाँ बैठे हुए हैं आई फैंसी असल में क्या था कल शाम को मैं यहाँ पर खाना खाने आया था ना तो ये दो लोग मिले मुझे इन्होंने कहा कि पंजाब में रहे हैं जाकर मुझे बड़ी हैरानी हुई पंजाब से तो लोग यूरोप में आते हैं थैंक यू वाला मेरा ब्रेकफास्ट आ गया जनाब ब्रेड है और कुछ और चीज़ें हैं टमाटर है चीज़ है कायमाक है और योगर्ट दही मैं बेसिकली बता रहा था कि कल रात को जब मैं खाना खाने के लिए आया था डिनर करने के लिए तो मैं यहाँ बैठा हुआ था ये दो जनाब मुझे मिले वो वहाँ बैठे हुए थे बात करने लगे आपस में इन्होंने जब मुझसे पूछा कि मैं कहाँ से हूँ मैंने बताया इंडिया से तो उन्होंने कहा कि वी वर इन इंडिया वी वर इन पंजाब मुझे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि यूजुअली पंजाब से लोग यूरोप या बाहर इधर उधर जाते हैं बसने के लिए घूमने के लिए लेकिन ये वहाँ क्या करने गए थे सो बेसिकली यू आर टेनिस कोच बोथ ऑफ अस बोथ ऑफ टेनिस कोच एंड टेनिस रेफरी टेनिस व्हाट रेफरीज
ये टेनिस कोच और टेनिस रेफरीज हैं, पंजाब गए थे, एक साल रहे थे नियर लुधियाना. Near to Ludhiana, Yasoval. Yasoval is village and near to Kular. Yasoval Kular. Kular. Okay. Okay. You stayed there for 1 year? Yes, almost 1 year. In Harvest Tennis Academy. There is international school. Yeah. And have a tennis academy. And how was your experience there? There is everything is okay. Children is good. There is for and me. How about food? There is. I have problem only for lunch. Lunch. For lunch, I eat pini and chocolate. कल जब मैं इनसे बात कर रहा था, तो ये बता रहे थे कि being a Serbian, इनको meat इनका हिस्सा है diet का. तो वहाँ पर meat उस हिसाब से नहीं बनाया जाता है इंडिया में जैसे कि यहाँ पर होता है. You came back here in 2020, like in March. First March. That is your birthday. Yes, my birthday. बहुत सारी बातें हुई थी हमारी. अच्छा लगा सर इनसे बात करते हुए. हम मेरा डिनर जो करीब 15-20 मिनट में ख़त्म हो जाना चाहिए था, वो करीब 1.5 घंटे चला था, जस्ट बिकॉज ये बहुत ही फ्रेंडली लोग हैं और दुनिया जहान की बातें इनके साथ में भी हुई थी, पॉलिटिक्स को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर, इंडिया को लेकर, सर्बिया को लेकर और आस पड़ोस को लेकर. बहुत सारी मज़ा आया था इनसे बात करके. फिर हमने ये तय किया था वी आर गोइंग टू मीट हेयर एट 8:30 इन द मॉर्निंग. तब हम आज साथ में ब्रेकफास्ट करने वाले हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. By the way, what is your name? My name is Veljko. Sorry? Veljko. 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 Well, it's problem, yeah. For yeah, that but... L. Yeah. Veljko. And how about you? Bojan. I'm Bojan. Bojan. No Bojan, yeah. Bojan. Okay, okay, okay. Yeah, yeah, it's B-O-J-A-N. Yeah, yeah, yeah. Bojan nahi hai. Bojan. Bojan. Thank you, thank you. Okay. दरअसल क्या था, मुझे तो इन्होंने ये दे दिया योगर्ट दही इस कप में डाल के. बड़ी सिमिलैरिटी है हमारे और इनके कल्चर में. इनके लिए भी सबसे पहले जब ब्रेकफास्ट आया तो इनको भी सबसे पहले योगर्ट ही दिया गया. तो मैंने इनसे पूछा ये ऐसा क्यों है, आपको भी वही दिया जा रहा है? तो उन्होंने कहा है हमारे कल्चर का हिस्सा है ये. दरअसल मिल्क और चीज़ का एक तरीके से मिक्सचर है, बीच का है. तो मेरे पापा ब्रेकफास्ट में, लंच में भी कभी कभी छाछ या लस्सी ज़रूर लेते हैं. इनफैक्ट वो कहते हैं कि दूध के बजाय ज़्यादा बेनिफिशियल है लस्सी, दही का कुछ भी बना हुआ. और यहाँ पर ही वही चीज़ है. नो, यू कैन चूज मिल्क, योगर्ट और सावर मिल्क. इवन सावर मिल्क? या. ओके ओके. एंड व्हाट आर यू गोइंग टू हैव टुडे? आई सेम लाइक यू. ओके. व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड? प्रजनिट्से. 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 अच्छा हुआ ये आ गए, इन्होंने बता दिया इसका नाम है प्रजनिट्से. ये जो चीज़ है ब्रेड का बना हुआ है. ब्रेकफास्ट हो गया, सारा समेट दिया, अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया प्लेट. इनको मैं बाय बाय कहता हूँ क्योंकि मेरे को 9 बजे वहाँ पहुँचना था और ठीक 9 बज चुके हैं. मुझे लेट नहीं होना चाहिए, देश का नाम ख़राब होता है. सो आई एम गोइंग टू से यू बाय बाय फॉर नाउ. चाओ. लेट्स मीट एट डिनर. आई हैव शेयर्ड माई नंबर विद यू, सो आई एम ऑल्सो अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप. Okay. Yeah. Okay. Hi. I'll be your guide. So, oh, great. If you are ready, we can go. Yeah, yeah, I'm ready. What's your name? Milan. What's it? Milan. Okay. ये जनाब हैं, ये मेरे साथ में जाने वाले हैं. ठीक 9 बजे यहाँ पर पहुँच गए हैं. ये है जनाब पंक्चुअलिटी. थैंक यू वेरी मच. ये जनाब हैं मिलन, बहुत ज़्यादा लंबे हैं ये. अच्छी बात है, सर उठा के बात करनी पड़ेगी. तो आज का दिन जनाब मिलन के नाम. और मैं उनको ज़रा थैंक यू, आई एम जस्ट गोइंग टू से देम थैंक्स. कहाँ गए वो जनाब? मैंने उनको अभी अपना थर्मस दिया है, मैंने कहा थोड़ा सा आप उसमें गर्म पानी भर दो. सो वो भर रहे हैं अभी. ये इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास में आप जानते हैं वो कॉपीज पड़ी हुई है, बहुत सारी लेकर आया था मैं पाउचेस, तो बीच में पी सकता हूँ मैं कॉफ़ी. आ गया सर. Thank you very much. You're welcome. Thanks. And thank you. Yeah, we were just a little bit shy. Thanks a lot. Thank you very much. Okay. Bye bye. Follow up, no? Yeah. Thank you. सफर शुरू हो गया. So where are we going today? We are going to Castilla, Siragoina, Stopiche. Yes. मैंने तीनों गाँव के नाम बिल्कुल सही बोले हैं. बाय द वे मेरे साथ में विलन हैं जो मुझे गाइड करते रहेंगे और मेरे साथ में एक और जनाब हैं जो हमें लेके जा रहे हैं. एंड व्हाट इज योर नेम? इसका कुछ
Sinisha. Sinisha. अपनी गाड़ी होने का ये फ़ायदा है। अभी हम चले ही थे, 5 मिनट हुए और एक बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखा, मुझे लगा आपको भी दिखाना चाहिए। मैंने मिलन से बोला कैन वी स्टॉप एंड ही सेड कि यस यस व्हाई नॉट। बेसिकली ज़्लातिबोर का बहुत अच्छा व्यू, ज़्लातिबोर का विहंगम नज़ारा यानी पैनोरमिक व्यू ऑफ ज़्लातिबोर यहाँ से दिख रहा है। मैं आपको दे दूँ इस ट्रिप पर आना है ना, वैसे तो ज़्लातिबोर क्योंकि पहाड़ों में बसा हुआ है तो आप चाहे जिस भी ट्रिप पर जाएं, जो डे एक्सकर्शन हैं, आपको पहाड़ों में जाना पड़ेगा और सड़कें ऐसे घुमावदार हैं, तो इसलिए खाना उस हिसाब से खाएं जिस हिसाब से आप पचा सकें यानी एडजस्ट हो सके आपके शरीर में, अदरवाइज मोशन सिकनेस होने की बड़ी समस्या हो सकती है, मुझे होती है। अगर इस कार के पीछे वाले हिस्से पर मैं बैठा रहता या बस में होता, मेरी वाट अब तक लग चुकी होती है, तो मैं इस वक्त फ्रंट सीट पे हूँ तो मैं सही सलामत हूँ। हाँ अगर ड्राइविंग सीट पे होता तो बात ही कुछ और होती, तब मैं ठीक रहता हूँ। पहला पड़ाव आ गया है, ये है यू कॉल इट स्टॉपिचे, स्टॉपिचे केव्स। मेरे ख्याल से बैटरी तो ठीक है इसमें, तो मेरे ख्याल से बैटरी ले जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी से काम चल जाएगा। तो बैग मैं यहीं छोड़ देता हूँ अपना कार में। आंदल, आई जस्ट आई एम लीविंग द थिंग्स हियर, वी हैव टू वॉक फॉर 500 मीटर्स फ्रॉम हियर। आई हैव नो द एग्जैक्ट लेंथ बट अबाउट 400 ओके ओके। अगर आप अपनी कार लेकर आ रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर पार्किंग के लिए 70 दिनार्स देने पड़ेंगे। सबसे पहला ख़र्चा तो पीछे केव का यहाँ पर होगा पार्किंग का। फ़िलहाल हम घुस रहे हैं जंगल में और उसके बाद पहुँच जाएंगे गुफाओं में और फिर वहाँ जाके मैं करने वाला हूँ मैन वर्सेस वाइल्ड। दिस इज़ नाइस, अच्छा खासा रास्ता बना हुआ है चलने के लिए, थक जाओ तो बैठने के लिए कुर्सी बनी हुई है, सामान फेंक कचरा फेंकना हो तो सामान फेंकना हो तो डस्टबिन है, इनका इस्तेमाल ज़रूर करें। They throw trash here? Yeah, even though we say you don't. And who are these people, like locals or foreigners? No, foreigners. Even foreigners do this. Foreigners. देखने को मिल रहा है। Cigarettes. Yeah. क्यों करते हैं कचरा यार? So they walk slower, but yeah. When there's rain, they walk faster. They think, no, it's nothing, and they slip on a stone. Yeah. जनाब बता रहे हैं कि बरसात में थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है, तो इसलिए सावधानी बरतने की ज़रूरत है। मैं ज़रा रेलिंग है यहाँ पर हाथों में मेरे, उसको पकड़ के चलूँ तो अच्छा, क्योंकि सीधा गहरा है और मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है तो पीछे केव उस तरफ है गुफा। ये उस तरफ है जो टिकट काउंटर, तो बेसिकली
यहाँ अंदर आने के बाद में आपको, मतलब यहाँ पहुँचने के बाद में इस टिकट काउंटर से आपको कहाँ गया ये वाला, यहाँ से आपको लेनी होगी टिकट। टिकट है 250 dinars की एडल्ट्स के लिए। एडल्ट्स मतलब जो 14 साल से ऊपर हैं। 7 से 14 साल तक के बच्चों के लिए शायद थोड़ा सा कम है, और 7 साल से नीचे तक के लिए बिल्कुल फ्री है। काश मैं 7 साल से नीचे करता, खैर मुझे तो ज़रूरत ही नहीं, मेरे को तो पे ही नहीं करना पड़ रहा है। थैंक यू टू टूरिज्म डिपार्टमेंट। हेलो हेलो, kako je? Dobro. How are you? Yeah, that's it. Dobro. Uči srpski da te ceo svijet razume. Nije. Hej. Hej. Okay. Ne umije dobi. यहाँ केव्स में थोड़ी ज़्यादा ठंडक है। मुझे पता नहीं अंदर जैकेट की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं, लेकिन आप अगर लेके आएँ तो बेहतर है। मेरी तो खैर ऊपर छूट रही है और एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर बैठा, आधी बैटरी अचानक ख़त्म हो गई। बाकी मेरे क्या, मेरा मतलब मेरी जो सेकंड बैटरी है वो कार में रखी हुई है, लेकर आनी चाहिए थी। जनाब है बोयन, और ये हमारे बेसिकली यहाँ वाले गाइड हैं। हेलो, हाय, वेलकम इन आवर ब्यूटीफुल केव। थैंक्स अ लॉट, इट इज एक्चुअली गुड। Yeah. Like this, this cave is named by nearby village. Name of that village is Topici. That village is across cave entrance in that hill. 4.5 million, करीब 45 लाख साल पुरानी गुफाएं हैं ये। 1812 में शायद पहली बार इनको कागजों में रिकॉर्ड किया गया था। वो उस तरफ एंट्रेंस बहुत बड़ी है। मैंने ज्योग्राफी की क्लासेस में स्कूल में पढ़ा था स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेगमाइट्स। तो करीब 750 साल में 1-1 centimeter स्टैलेक्टाइट्स नीचे बनती हैं, और ये बेसिकली सारा लाइमस्टोन से बना हुआ है। यानी यहाँ पर पहले कभी वो बना रहा होगा समुद्र। In ancient times? Yeah, in ancient times, okay. It was big sea. Okay, okay, okay. And how this limestone come to the surface when tectonic plates crashes, mountains goes up. Yeah, tectonic plates जब एक दूसरे से टकराती हैं तो पहाड़ बनते हैं। हिमालय वैसे ही बना है, ऐसे ही शायद ये पहाड़ बने। Cannot stay in darkness. Yeah, okay. जनाब पोयन ने एक चीज़ बताई है, ये जो अभी मैंने हरे रंग की लाइट आपको दिखाई ना, मैंने कहा यार ये तो तीर का निशान, वहाँ पर हम उल्टा तो नहीं जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, ये बेसिकली पैनिक लाइट्स हैं। तो अगर इस गुफा में लाइट चली जाए तो कम से कम लोगों को परेशानी नहीं होगी, वो इसको फॉलो करते हुए अंधेरे में भी ये चालू रहेंगी। ऐसे ही मेरे को लगा आपको बता दूं, अगर आपको अंधेरे में आने से डर लगता है और आप थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिया आपको है जो, तो आपको परेशानी नहीं होगी, आप यहाँ आ सकते हैं। काफ़ी अच्छा है, ऊँचाई तक लोग जा रहे हैं, काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं। ये तो मुझे उसकी याद दिला रहा है, पामुक कले की। पामुक कले के जो ट्रैवल टाइम्स थे उसमें पानी भरा हुआ था, बस फ़र्क ये है कि वो ओपन था पामुक कले में, ये गुफा के अंदर है। Amazing. Must have taken like thousands, millions of years to... Yeah, this stalactite is old about 3.8 million years. 3.8 million years? Yeah, this stalactite is old. 3.8, भाई साहब 38 लाख साल पुरानी स्टैलेक्टाइट है ये। क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं, लेकिन जो भी है, मेरे ख्याल से मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी बढ़िया केव्स कभी नहीं देखी हैं। मिजोरम मेघालय में मैंने ज़रूर देखा था चेरापुंजी के पास मौसन, क्या नाम था उनका, मौसमाई केव्स, लेकिन ये बहुत डिफरेंट है। यहाँ चारों तरफ मतलब लाइट चारों तरफ होने की वजह से ये बहुत ही अच्छी तरीके से इल्यूमिनेटेड है, तो यहाँ ज़रूर आना चाहिए। दैट्स लाइक आई एम सो हैप्पी। ही सेड कि अभी तक मैंने बहुत सारे लोगों को होस्ट किया सऊदी अरेबिया से, लंदन से, लेकिन यू आर द नाइसेस्ट पर्सन, थैंक यू वेरी मच। तो पीछे केव्स वाला हिसाब किताब तो ख़त्म हो गया है। बहुत केयरफुल रहना है क्योंकि यहाँ पर ऊपर से पानी टपकता है जो कैमरा पर भी गिर सकता है। तो मैं ऑन द कैमरा इन जनाब को शुक्रिया कहना चाहता हूँ इससे पहले कि बैटरी ख़त्म हो। माई बैटरी इज़ अबाउट टू डाई, I want to say you, thank you, on the camera. You're welcome. Thank you very much. Thank you for me. Follow up. Okay.